तो गाइस पार्ट वन में हम एशिया के सबसे ऊंचे वृक्ष के पास आए थे और अब आगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हनोल जहाँ के हमें जाना है वो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। नदी पे सिर्फ राफ्टिंग होती है, इसका पानी ना तो पीने योग्य है ना सिंचाई योग्य है, तो ये नदी का उपयोग इस राफ्टिंग के लिए कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री समाप्त और देहरादून डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री स्टार्ट हो चुकी है और ये जौनसार भावर का जनजाति क्षेत्र है, हनोल भी इसी क्षेत्र में आता है। हनोल और ये है हनोल का मंदिर। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं हनोल के फील्ड में और हमने गाड़ी पार कर दी है पार, और ये भाई है हमारे साथ यहाँ पे, अब हम इनके साथ मंदिर में जाएंगे और अब चलते हैं मंदिर में। तो फ्रेंड्स ये है यहाँ पे हनोल मासू की हिस्ट्री। फ्रेंड्स अब हम जूते उतार रहे हैं क्योंकि मंदिर में तो अलाउ नहीं है ना जूते, तो इसलिए और बेल्ट भी उतारेंगे। ये क्या है? तो फ्रेंड्स बहुत गर्मी लग रही है, नीचे पाँव में जल रहे हैं पाँव, और ये है यहाँ का मंदिर। तो मंदिर में चलते हैं, ये मंदिर देखो गाइस यहाँ पे बकरे। तो फ्रेंड्स ये मासू देवता के पशुओं हैं और अभी इन पर मासू देवता उतरे तौर पे जवाब देना, आगे भी करना मेरे तुम्हारी यात्रा, ये यात्रा मैंने सफर करी परिवार के साथ खुशी से और आगे भी मैंने। तो फ्रेंड्स आएंगे हम पत्थर, ये देवता के पत्थर हैं। बस हवा निकल गई। ये बहुत भारी पत्थर था, मतलब इतने ज्यादा उठा नहीं पाया उस पत्थर को, इसने उठा लिया है पत्थर। नहीं पीछे बैंक पीछे आपने देखा। तो गाइस ब्लॉगर एंड बनानी यहाँ पर पत्थर उठाते हुए। तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि ये भीम के कंचे हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स अब जा रहे हैं हम नेक्स्ट मंदिर में और गर्मी हो रही है बहुत आज क्योंकि अभी चढ़ाई चढ़ी है ना, तो इस रीजन से गर्मी लग रही है। यहाँ पे अच्छी अच्छी मूर्तियाँ भी हैं, एक बैल की है और एक शिव पार्वती की है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्लीज आप इस ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए। और ये है पहाड़ी फल जिसे हिंसर के नाम से जाना जाता है। तो ये है फ्रेंड्स हिंसर, ये इतना छोटा सा फल होता है, इधर मिलेंगे आपको ये, तो आप आइए इनको भी खाइए। और ये पुल हमें इसको क्रॉस करना है। तो फ्रेंड्स पुल आ चुका है और अब हम चलते हैं पुल पे। देखो कितना तेज बहाव है और नीचे भी पानी का बहाव बहुत तेज है। फ्रेंड्स ये है यहाँ का पोस्ट ऑफिस, छोटी सी बकरी। ये है मंदिर। तो फ्रेंड्स ये है मंदिर, प्राचीन मंदिर है, देख सकते हैं आप डिजाइन। फ्रेंड्स ये पावाशी देवता का मंदिर है और पावाशी देवता जो ये मासू देवता के भाई हैं। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमने अंदर की वीडियो शूट नहीं कर पाया बिकॉज वो मना कर रहे थे। तो फ्रेंड्स ये है शिव पार्वती और गणेश और नंदी बैल की मूर्तियाँ। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने
क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख बूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस्या। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जयते लोम नाग शंभु हे जिवान शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा शंकरदेव हे भजनाथ। A few moments later बड़ा वाला करो ट्राई बड़ो सजे बड़ो ना ना थैंक जय आज। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पे इतने श्रद्धालु की भीड़ यहाँ पे और पूजा का सीन में दिखा नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है दिखाना। चलते हैं घर की तरफ। तो अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया और अगर आपको ये जगह पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।